हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज, आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ ए आर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग के बारे में डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, ठीक है। उसका फॉर्मूला जो अपना आया था वो क्या आया था, तो सबसे पहले वो टॉपिक लिख लेते हैं वापस से। उसका टॉपिक क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, ठीक है, चार्ज्ड रिंग, ठीक। ये अपना टॉपिक था, ठीक। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, ठीक। डेरिवेशन तो मैंने आपको करवा दिया था, वो डेरिवेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एग्जाम के अकॉर्डिंग वह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब उसका जो फॉर्मूला आया था, मतलब चार्ज्ड रिंग की एक्सिस पे जो फॉर्मूला आता है, ई एक्सिस बोल सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। ये वाला फॉर्मूला आया था अपने पास, ये था एक चार्ज्ड रिंग की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर आपको याद हो तो यहां पे ये क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्यू क्या नहीं है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, याद रखना, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये उस रिंग पर टोटल चार्ज है, याद रखना, इसको आप पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते, ठीक है। पॉइंट चार्ज के तो फॉर्मूला होता है ना, ई बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, टोटल चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज है, ठीक है। किस पर, ऑन रिंग, रिंग पर टोटल चार्ज है ये, ठीक है ना, ऑन होल रिंग, ये लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है, ऑन होल रिंग, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ऑन होल रिंग, ठीक है। के तो आपको पता है ना, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है, याद है, ठीक है। ये के हो जाएगा, क्यों हो गया, एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस भाई, एक्स क्या थी, डिस्टेंस थी, किस किस के बीच में डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या, वह पॉइंट जहां पर अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी होती है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में बात की अपन ने, कैपिटल आर की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग। तो ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि एक्स यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्स यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, किसके ऊपर, रिंग पे, टोटल चार्ज ऑन होल रिंग। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, सेंटर से लेके उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, ओके। और आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है, आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग है, ठीक है। तो ये हो गया ई एक्सिस पे फॉर्मूला, ठीक है। आज हम इसकी थोड़ी स्पेशल कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आज हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक।
अब देखो इसकी पहली कंडीशंस, इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, स्पेशल कंडीशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला ट्रू है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला आया ना अपना, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्स की वैल्यू या तो आर के बराबर हो या आर से थोड़ी कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ी कम तो नहीं होगी, सॉरी देखो वापस से, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्स की वैल्यू या तो आर के बराबर हो या आर से थोड़ी बड़ी हो, ठीक है ना, आर से क्या हो, थोड़ी बड़ी हो, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एक्स की वैल्यू या तो आर के बराबर हो या आर से थोड़ी बड़ी हो। अब देखो मैंने स्पेशल केस क्या लिया, स्पेशल कंडीशंस क्या ली है, पहली इफ एक्स मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर मैंने क्या किया, स्पेशल केस लिया है, स्पेशल केस क्या लिया है कि यहां पर जो एक्स है वो रिंग की रेडियस जो है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो समझो, जो एक्स की वैल्यू है वो आर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये तो हो गई सर्कुलर रिंग और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो काफी क्या है, उस सेंटर से दूर है या उस रिंग से काफी क्या है, दूर है, समझ रहे हो इसका, देखो फील करने की कोशिश करो, एक्स क्या था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक, आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू को आर से बहुत बड़ा माना है, अब एक्स की वैल्यू आर से बहुत बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि आप ने उस रिंग से काफी दूर जा चुके हो, क्योंकि जो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है, उस डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, आपने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन को बहुत दूर रख रखा है सर्कुलर रिंग से, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिंग की रेडियस होगी वो एक्स के कंपैरिजन में क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई, जो रिंग की रेडियस है वो एक्स के कंपैरिजन में क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई, ठीक, इसलिए इसलिए अब देखो यहाँ पे लिखोगे आप, इफ एक्स एक्स If x much much greater than capital R, इसका मतलब ये हुआ कि जो observation point है, लिखेंगे, it means that observation point, ठीक है, observation point is situated. ठीक है, देखो x much much greater than capital R का मतलब ये हुआ कि जो observation point है वो उस ring से काफी दूर है, ठीक है ना, तो it means that observation point is situated very far from ring. रिंग से क्या है, बहुत क्या है, दूर है, तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको मेजर करनी है, ठीक, देखो तो यहां पे जो एक्स मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो इस फॉर्मूले को देखो आप, तो इस फॉर्मूले में जो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू आप लगभग एक्स स्क्वायर मान सकते हो, ये वाली बात आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लगभग आप क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर मान सकते हो, क्योंकि जो आर है, जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी 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 क्या हो गई, कम हो गई, और ऊपर से आर का स्क्वायर हो रहा है तो ये और भी कम हो गया, छोटी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो, छोटे डिजिट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वह और भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, अब आप देखो इस फॉर्मूले से, देखो आप अगर आप इस फॉर्मूले से कोशिश करो करने की, तो देखो इस फॉर्मूले को हम अब कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मूले से करने जा रहे हैं, अब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखना ये कंडीशन कब है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो, काफी दूर हो, किससे, सर्कुलर रिंग के सेंटर से, ठीक,
तो देखो क्या होगा, अब देखो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, अब उसको आप क्या लिख दोगे, लगभग लगभग एक्स स्क्वायर लिख दोगे, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। ये कैसे आया, क्योंकि आपने मान लिया है कि भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हो आप, एक्स स्क्वायर मान सकते हो। ठीक, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया। ठीक, एक्स क्यूब ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसकी वजह से था, पॉइंट चार्ज की वजह से। वो देखो यहाँ पर भी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ चुका है, अब ये किसकी वजह से है, पॉइंट चार्जेस की वजह से। ऐसा बोलना सही भी है गलत भी है, कैसे देखो ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस सर्कुलर रिंग से काफी क्या हो, दूर हो, तब ये वाला फॉर्मूला आप वैलिड, तब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको जो मैंने डेरिवेशन में फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो वही वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कब वैलिड है, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट सर्कुलर रिंग से क्या हो, काफी 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 दूर हो, काफी दूर हो, तब आप E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर काम में ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा अपन डायग्राम बनाते हैं, अगर हम इसका थोड़ा डायग्राम बनाए तो देखो डायग्राम अगर अपन बनाते हैं, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये तो अपनी क्या थी, सर्कुलर रिंग थी जिसके ऊपर चार्जेस क्या थे, डिस्ट्रीब्यूट थे ऐसे। ठीक, इससे इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट पी था। ठीक, और ये क्या हो गई इसकी, कैपिटल आर रेडियस थी, दिख पा रहा। अब देखो अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर है, अगर हम इस सर्कुलर रिंग से बहुत दूर चले जाए तो ये रिंग हमें बहुत छोटी दिखाई देगी, आप बोल सकते हो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, वही वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब जो सर्कुलर रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको दूर से देखने पर हमें ये लगेगा, ये एहसास होगा, ये प्रतीत होगा, ये महसूस होगा कि टोटल चार्ज इसकी लेंथ पे ना हो कि इसके सेंटर पे है, ऐसा लगेगा, तभी तो फॉर्मूला आया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कब लगेगा, एक्चुअल में है थोड़ी है, वो तो लेंथ पे ही डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन दूर जाने पर वो रिंग क्या हो गई, छोटी हो गई, और रिंग छोटी होने की वजह से जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी सर्कमफेरेंस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो उसके सेंटर पर अपन को दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि टोटल चार्ज कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, इसलिए ये फॉर्मूला के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर अपने पास में आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लग जाएगा, कब लग जाएगा, इफ x मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R हो। ठीक है, ये वाली बात याद रखना स्टूडेंट साहब, ये x की वैल्यू यदि कैपिटल R से कहीं ज्यादा है तब आप E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर काम में ले सकते हो। तो यहां पर हमको थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही पता चल गया, देखो थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी को रटो मत आप। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि अगर x की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या लगेगा, हमें यह लगेगा, अपीयर्स होगा, ऐसा लगेगा कि टोटल चार्ज इसकी लेंथ पर ना होके कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है, ऐसा हमें अपीयर होगा, ऐसा हमें एहसास होगा। तो ये वाली बात हम लिख लेते हैं, ये वाली बात हम लिख लेते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, स्पेशल कंडीशन में आता है E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आप लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट रेडियस, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट रिंग से क्या हो, काफी दूर हो, या फिर बोल दो कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो सेंटर पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपेरिजन में क्या हो, बहुत ज्यादा हो।
ठीक है, तो ये वाली बात हम लिख लेते हैं कि इफ एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर देन देन वी अपीयर्स क्या अपीयर्स होगा कि जो टोटल चार्ज है डेट टोटल चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ द रिंग नॉट एट इट्स लेंथ, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो हमें ये वाली बात याद रखनी है, समझ के याद रखनी है कि अगर x की वैल्यू r के कंपेरिजन में कहीं ज्यादा है तो हमें अपीयर्स होगा कि टोटल चार्ज इसकी लेंथ पे ना होके, नॉट एट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पे ना होके कहां पे है, इसके सेंटर पे है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर में जो चार्ज होगा वह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। लिख सकते हो कि जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज तो टोटल चार्ज होगा वो बिहेव करेगा किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, ये हो गया इसका पहला केस। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, अब स्पेशल कंडीशंस में आता है। ठीक, अब इसका दूसरा केस। ठीक, सेकंड केस क्या है इसका, इफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के। अब की बार एक्स की वैल्यू कैपिटल आर से कहीं ज्यादा नहीं है, कैपिटल आर के बराबर है, इसलिए आप अब फॉर्मूला कौन सा काम में ले लोगे, ई वाला, कौन सा, के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 काम में ले लोगे। अब ये वाला फॉर्मूला काम में क्यों लिया, e बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर काम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वही वो कब वैलिड है, जब आप उस रिंग से काफी क्या हो, दूर हो। अब आप कहां पे आ गए, उस रिंग की सर्क्यूमफेरेंस पे आ गए, वहां पे आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, यह आपको चेक करना है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। देखो, चेक करने का तरीका, x बराबर कैपिटल आर यहाँ पे पुट अप कर दो आप, तो e बराबर k q कैपिटल आर हो गया, फिर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। ठीक, अब आगे चलो, आगे क्या करेंगे, k q r, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे करो, आगे करोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू आर अपॉन, देखो 2r स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, अंडरूट 2r का होल स्क्वायर, फिर इसका क्या है, 3/2 है, देख पा रहे हो, 2r स्क्वायर को आपने क्या किया, अंडरूट 2r का होल स्क्वायर करके फिर उसके ऊपर आपने क्या किया, 3/2 पावर लगा दी। अब देखो यहां से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में के क्यू आर अपॉन अंडरूड 2r की पावर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है ना, के क्यू आर अपॉन अंडरूड 2r की पावर 3 बच जाएगा। अब लास्ट में जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू आर अपॉन अंडरूड 2 का क्यूब कितना होता है, अंडरूड 2 का क्यूब कर सकते हो ना, अंडरूड 2 का क्यूब कितना होता है, अंडरूड 2 इंटू अंडरूड 2 इंटू अंडरूड 2,
देखो अंडर टू का अंडर टू से करेंगे टू आ जाएगा, फिर ये रूट टू बच जाएगा, तो इसका जो क्यूब होगा वो हो जाएगा टू अंडर टू। फिर आर के ऊपर कितनी पावर है, थ्री है, तो आर की पावर थ्री हो गया, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसल, तो ई बराबर क्या बच जाएगा के क्यू अपॉन टू अंडर टू आर का होल स्क्वायर। लो ये भी आपके पास में एक स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या हो चुका है, एक फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ये कहां पे आई है, उस सर्कुलर रिंग की सर्क्यूम्फ्रेंस पे आई है। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ये कहां पे आई है, उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस पे आई है। कितनी आई है, के क्यू अपॉन अंडर रूट टू इंटू टू इंटू आर का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार क्या होता है x इज इक्वल टू कैपिटल R के बेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करवाता है। तो ये कहां पे है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन टू अंडर टू आर का होल स्क्वायर कहां पे है, सर्कुलर रिंग की सर्क्यूम्फ्रेंस पे है। कहां पे है, सर्कुलर रिंग की सर्क्यूम्फ्रेंस पे है। तो ये बात आप लिख दोगे, देखो मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड, इज मेजर्ड ऑन द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द रिंग, ऑफ द रिंग, रिंग की सर्क्यूमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू टू रूट टू आर का होल स्क्वायर। तो ये जो टॉपिक है आपका सर्कुलर रिंग का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर ले, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ठीक है, तो वापस से देख लो कि जो फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं वो कौन कौन से। एक तो E बराबर क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और एक आया आपके पास में E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कब काम में लेना है, जब आप रिंग से बहुत दूर हो। और E बराबर के क्यू अपॉन टू रूट टू आर स्क्वायर, ये कहाँ पे है, एट सर्क्यूम फ्रेंस, कहाँ पे है, एट सर्क्यूम फ्रेंस। ठीक है, तो आप, मैं चाहूंगा आप इसको भी उतार ले। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं। इसको उतार ले आप पहले अपनी कॉपी के अंदर। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखो, सर्कुलर रिंग के ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या दे रखा आपको, ए स्फेयर, एक स्फेयर, ए सर्कुलर लूप, एक लूप है। ठीक है ना, एक स्फेयर है और एक सर्कुलर लूप है। देखो स्फेयर क्या होता है, हमेशा 3D सरफेस होता है, और सर्कुलर लूप क्या होती है, हमेशा 2D सरफेस। आर आइडेंटिकली चार्ज्ड, दोनों ही चार्ज है, और कैसे चार्ज है, आइडेंटिकली चार्ज है, मतलब दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। बोथ आर रेडियस कैपिटल आर, दोनों की रेडियस भी क्या दे रखी है आपको, सेम दे रखी है, क्या दे रखी है, कैपिटल आर। आगे चलो, बोथ हैव चार्ज स्मॉल क्यू, दोनों पे चार्ज भी क्या है, स्मॉल क्यू है, आइडेंटिकली चार्ज है ना, तो आइडेंटिकली चार्ज का मतलब क्या हुआ, दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम है, रेडियस सेम हो गई, चार्ज का अमाउंट भी सेम है, स्मॉल क्यू है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर,
द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। देखो कितनी प्यारी बात बोल रखी है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो स्फीयर का सेंटर है, जो स्फीयर का सेंटर है वह कहाँ पे है, एक्सिस पे। किसकी एक्सिस पे? लूप की एक्सिस पे। लूप क्या होती है? चार्ज रिंग को ही बोलते हैं लूप, जो 2D सरफेस के, जो 2D सरफेस की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। तो स्फीयर का जो सेंटर है वो लूप की एक्सिस पे है, और कितना दूर है? आर रूट तीन। कितना दूर है? आर रूट तीन। कहां से? इसके सेंटर से, लूप के सेंटर से, लूप के सेंटर से आर रूट तीन डिस्टेंस पे एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका सेंटर इस लूप की एक्सिस पे है, ये बोल रखा है, ठीक है ना। अब आगे चलो, पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चैप्टर फर्स्ट में अच्छी तरीके से, बड़े तरीके से आपको समझाया हुआ है कि जब कोई चार्ज या कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम किसकी लॉ से निकालते हैं? कूलम के लॉ से निकालते हैं, F बराबर K Q1 Q2 / R² या फिर F बराबर क्या होता है? Q into E, पता है ना। F बराबर क्या होता है? Q into E, ठीक। फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द लूप, ये आपको निकालना है। तो लूप बनाएंगे, उस लूप के सेंटर से आर रूट तीन डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना लेंगे अपन। स्फीयर का जो सेंटर है वो उसकी एक्सिस पे बना देंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे, सबसे पहले आपने क्या किया, एक लूप बना दी ऐसे, ये लूप है, ठीक है ना, ये सर्कुलर लूप है। इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। ये हो गया, ये इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस कितनी मानी है? कैपिटल आर। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल आर रेडियस है इसकी, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है? स्मॉल क्यू, ओके। अब इसके सेंटर से आर रूट तीन डिस्टेंस पे, कितने आर रूट तीन डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? एक स्फीयर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? एक स्फीयर रखा हुआ है, और स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है वो इसकी एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो सेंटर भी आप इसी तरह से बना दोगे, ये लो, ठीक है ना, ये सेंटर, ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक। ये भी क्या है? चार्ज है, ये भी क्या है? चार्ज है, ऐसे चार्ज है। अब स्फीयर पे तो जो चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पे आएगा, स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पे से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस स्फीयर को क्या मानते हो? एक कंडक्टिंग स्फीयर मानते हो, ठीक है। दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम है, इस पर भी चार्ज का अमाउंट क्या है? सेम है, ठीक है। तो अब आपको देखो यहां पे एक तरह से देखा जाए ना, एक तरह से देखा जाए तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस मैंने उस डेरिवेशन में ये नहीं बनाया था, मैंने केवल यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था जिसको मैंने P से डिनोट किया था, और उस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है? K Q X / R² + X² / 3/2। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आर रूट तीन। अब आप पूछोगे सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों मेजर कर रहे हो? अरे भैया देखो यहाँ पे आपको पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। माइकल फेराडे ने बताया था कि दो चार्जेज एक दूसरे पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स कब लगाएंगे? जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही तो क्या होते हैं? दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेजर करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर Q into E होता है, पढ़ाया मैंने आपको ये। तो देखो सबसे पहले
हम ये क्वेश्चंस मिटा देते हैं। आपने ये वाला क्वेश्चंस अपनी कॉपी में राइट कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करनी है इन दोनों के बीच में, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर करनी है, कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे आप एज वी नो ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। अब यहां पर इन डायग्राम आप क्या देख पा रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, r रूट 3 देख पा रहे हो, जो x की वैल्यू है वो कितनी है, r रूट 3। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर दो, r रूट 3 r से थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं क्या बहुत दूर के अकॉर्डिंग निकाल के बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लगा दो, गलत हो जाएगा। ठीक, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसको पुट अप करो आप, तो के क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, आर रूट 3। ठीक है, ये हो गया के क्यू एक्स की वैल्यू आर रूट 3, कैपिटल आर स्क्वायर है ही है। देखो इसकी रेडियस भी कितनी है, कैपिटल आर ही है, दोनों की रेडियस सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर की पावर, सॉरी गलत हो गया ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर रूट 3, तो लगाएंगे यहां पे आर रूट 3। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, देखो एक्स का स्क्वायर है ना, तो आर रूट 3 का स्क्वायर हो गया की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, बस फॉर्मूले में मान रखना है यार, क्या करना है, के क्यू आर रूट 3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3। भाई रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। अब यहां पे आ जाओ, तो ई बराबर के क्यू आर रूट 3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब 4 आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, के क्यू आर रूट 3, ये तो ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हो आप 2 आर का होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर कितनी पावर है, 3/2 है, देख पा रहे हो ना, 4 आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 आर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फिर पावर कितनी है, 3/2 है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू आर रूट 3 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 आर का कितना आ गया, यहाँ पे क्यूब आ गया। ठीक, अब 2 आर का क्यूब आ गया, तो देखो कितना हो जाएगा, के क्यू आर रूट 3 अपॉन 2 आर का क्यूब, देखो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, आर का क्यूब 8 आर क्यूब हो गया। ठीक है, देखो 1 आर क्यूब से 1 आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, के क्यू रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ चुका है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, कहां पे स्फीयर के सेंटर पे कितनी आई है, वो लिख लेते हैं अपन, ई इज इक्वल टू वो कितनी आई, के क्यू रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर। लो ये आपके पास में क्या आ चुका है, जो सर्कुलर लूप है, जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है ई बराबर के क्यू रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर। अब
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी पूछी है, आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, एफ बराबर क्यू इंटू ई, वो लगा देंगे अपन, लगा देते हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई हम लगा देंगे, उससे आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। फिजिक्स में जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे, तब तक आप क्या नहीं करोगे, क्या बोलते हैं, फॉर्मूले को याद नहीं करोगे तब तक आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, सजेशन दूंगा पर्सनली, कि आप फिजिक्स के फॉर्मूले के लिए एक पतली सी कॉपी आती है वो डाल ले आप, जैसे जैसे अपने चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मूले आते जा रहे हैं, नए नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं, तो उन फॉर्मूले को आप क्या करो, एक पतली सी कॉपी के अंदर लिखते रहो। इस चैप्टर सेकेंड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर सर्कुलर लूप के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आप इसको उस कॉपी के अंदर उतार लो आप, तो एक अलग से कॉपी लेके आओ फिजिक्स के फॉर्मूले के लिए। सही बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी आपको फिजिक्स, न्यूमेरिकल तो आपको ऐसे तैयार हो जाएंगे ऐसे। कब याद, कब मतलब आप कब कब कर पाओगे न्यूमेरिकल को, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे, फॉर्मूले याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे आपसे, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है तो आप लिख देंगे सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू की जगह तो क्यू लिख दिया, ई की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी आई, के क्यू रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू आ चुकी है। ये तो पूछा था आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा सर्कुलर लूप और स्फेयर के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 8 आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया सर्कुलर लूप और स्फेयर के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है? तो ऐसे हम क्या करते हैं, सर्कुलर रिंग पे या सर्कुलर लूप पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है, फिर एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे करके फिजिक्स में जितने भी चैप्टर बनते हैं उनकी कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ठीक है ना। तो आपको ये बात मैंने बता दी है, और फॉर्मूले के लिए आप फिजिक्स में अलग से कॉपी डालें, ये मेरा आपसे एक पर्सनल सजेशन है प्लीज, ठीक है। तो ये हो गया अपना सर्कुलर रिंग की वजह से एक न्यूमेरिकल। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे गाउस लॉ, जो कि इस चैप्टर का बेस होगा, और गाउस लॉ के एप्लीकेशन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, एग्जाम में हर साल। तो आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, गाउस लॉ पढ़ेंगे, गाउस का लॉ क्या है, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले कह दिया कि इस चैप्टर में जितनी भी मैं सरफेस बनाऊंगा ना, वो सारी क्या बनाऊंगा, क्लोज सरफेस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्लोज सरफेस बनाऊंगा। और क्लोज सरफेस हमेशा गाउस के लिए, गाउस का जो लॉ है उसके लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो गाउस लॉ हम आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।